बंधन, हर तरफ बंधन। इसके साथ खाना मत खाओ, वो ब्राह्मण नहीं है। उसके साथ मेल जोल मत रखो, वो शूद्र है। 7 साल की कमला को त्योहार मत मनाने दो, क्योंकि वो विधवा है। ये कभी मत पियो, वो मत खाओ। 1001 देवी देवताओं की पूजा करो, औरतों को घर में बंद रखो, क्योंकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर के बारे में कोई सवाल मत करो, प्रथाओं रीति रिवाजों को बदलो मत, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। ये वही चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करके ही तुम अच्छे युवक बनोगे, अच्छे हिंदू की मिसाल होंगे। तुम्हें सब अपने दिमाग से सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुम ठीक समझते हो। मेरी तो एक ही सलाह है, सच के लिए जियो, सच के लिए मरो। अब आज रात फिर मिलेंगे, तुम सब जरूर आना। हाँ सर, यस सर। जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वो कट्टरवादी हैं, जो कर नहीं सकते वो बेवकूफ, और जो करना नहीं चाहते सर वो गुलाम है। ये तुमने एकदम सही कहा। प्यारे जान, ये कौन सी किताब है? थॉमस पेन की एज ऑफ रीजन, पूरे 8 रुपए में खरीदी है सर, मगर इससे अच्छा सौदा मैंने आज तक नहीं किया। तुम लोग ये सारी किताबें पढ़ डालो, तभी मैं उनसे उदाहरण दे सकूंगा। लॉक, बिंथम, पेन, बेकन। मुझे तुम लोगों के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। सर, आपने वादा किया था बेंटिंग पर लिखी अपनी कविता हमें सुनाएंगे। हाँ सर, हाँ सर, सुनाइए ना सर, प्लीज सर। सुनाओ। सर विलियम बेंटिंक, पाओ तुम चिरजीवी ये पुरस्कार, सच्चे हार्दिक अभिवादन पर सतत गुणीजन का अधिकार। महापुरुष का चिर सम्मानित होता है हर ऐसा काम, अमिट अमरता पा जाता है जिससे महापुरुष का नाम। गौरव जिसे जलाता है हर दम युद्धों के ऊंचे घूरों पर, दीप्तिमान होती वो ज्वाला यद्यपि नश्वर और भयंकर। अभी ये जन्मे हैं ऐसे भी राष्ट्र, तुम्हें देंगे सम्मान। किसी विजेता की जय से होती है ऐसी विजय महान, शुभकारी तब स्मृति भी जैसे सुबह के तारे की मुस्कान। थैंक यू डेविड, तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। तो बिना पेशी सुनवाई का नाटक किए मुझे बर्खास्त कर दिया क्या? मैं तो सारी बुराइयों की जड़ हूं ना, मैं विद्यार्थियों को गुमराह कर रहा हूं। लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मैंने भगवान के वजूद से इनकार किया हो। मैंने सिर्फ इस विषय में विचारों को द्वारा उठाए गए सवालों से, शंकाओं से अपने विद्यार्थियों को परिचित कराया। अब अगर इस विषय में बात करना ही गलत है तब मैं जरूर अपराधी हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में ना कोई शर्म है ना कोई डर कि मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों को इस सवाल के दोनों पहलुओं से विचार करने को कहा है। मैं एक शिक्षक हूं, अज्ञानता और हर धर्मता को बढ़ावा देना मेरे पेशे के खिलाफ है। मुझे दुख है कि आप लोग किसी ऐसे विचार को सुनते ही आंख कान बंद कर लेते हैं जो आपके खिलाफ हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और ना ही मेरे विद्यार्थी। अब लोग मुझे नास्तिक कह सकते हैं, धर्म निंदक भी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म को अपनी तरह से समझने वालों को ये उपाधियां तो मिलती ही हैं।